जयेंद्र स्वंदे मातरम। इतिहास की किताबों में आप सभी ने हुमायूं के मकबरे के बारे में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब एक संस्थान क्लेम कर रही है कि हुमायूं का मकबरा हिंदुओं का है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई भारतीय संस्थान नहीं कह रही है, बल्कि अब ये एक विदेशी संस्थान इस बात का क्लेम कर रहा है। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत पहुंचे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के भारत आने को लेकर ब्रिटेन की मीडिया लगातार कवरेज दे रही है। इसी बीच ब्रिटेन के एक प्रमुख अखबार के एक लेख से विवाद खड़ा हो गया है। अखबार सनडे टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में हुमायूं के मकबरे को हिंदुओं का आध्यात्मिक स्थल कह दिया है, जिसे लेकर लोग अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि उम्मीद है कि भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हिंदुओं के आध्यात्मिक स्थल हुमायूं का मकबरा भी जाएंगे। सनडे टाइम्स ने यह लेख बीते हफ्ते शनिवार को प्रकाशित किया था, जिसका कि शीर्षक था ऋषि सुनक और कीर स्टार्मर के लिए गर्मियां खत्म हो गईं, लेकिन वे अभी भी समंदर किनारे ही। लेख में सुनक और स्टार्मर के बीच अगले आम चुनाव को लेकर प्रतिस्पर्धा की बात भी करी गई। स्टार्मर लेबर पार्टी के नेता हैं और सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं। अगर हम सनडे टाइम्स की बात करें तो सनडे टाइम्स अपने लेख में लिखा था कि ऋषि सुनक सप्ताह के आखिर में भारत पहुंचेंगे, जहां वे विश्व नेताओं की G20 बैठक में भाग लेंगे। उम्मीद है कि ब्रिटेन के पहले एशियाई मूल के प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। ऋषि के एक सहयोगी ने कहा कि सड़कों पर ऋषि की तस्वीरें लगी होंगी, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि ऋषि सुनक को स्थानीय फैंस घेर सकते हैं। लेख में सुनक के हुमायूं का मकबरा जाने का जिक्र करते हुए सनडे टाइम्स ने लिखा कि उम्मीद है कि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति, जो कि एक भारतीय अरबपति की बेटी है, इनके साथ हुमायूं का मकबरा जाएंगी और वहां तस्वीरें खिंचवाएंगी। हुमायूं का मकबरा हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक स्थल है और एक ऐसी जगह है जो कपल्स को काफी पसंद है। संभावना है कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री का मकबरा जाना ब्रिटेन के मतदाताओं को पसंद आएगा। सनडे टाइम्स का लेख प्रकाशित होने के बाद भारत में सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए और कहने लगे कि मुस्लिम शासक हुमायूं के मकबरे को हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक स्थल कैसे कहा जा सकता है। वहीं यूजर्स पश्चिमी मीडिया का मजाक उड़ाते हुए लिख रहे हैं कि सुनक भारत में कब से इतने लोकप्रिय हो गए कि उन्हें भीड़ घेर लेगी। ट्विटर यूजर ने लिखा कि ब्रिटेन की पत्रकारिता की हालत देखिए, ये मान रहे हैं कि ऋषि सुनक भारत में इतने लोकप्रिय हैं कि G20 के दौरान भीड़ उनको घेर लेगी। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि ये कैसा लेख है, ऋषि सुनक को भारत में लोग घेर लेंगे और फिर हुमायूं का मकबरा हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक कब से हो गया। गलत तथ्य, बेकार की कल्पना है। क्या ब्रिटेन का मीडिया ऐसे ही अखबार छापता है? G20 के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अलावा और कौन आ रहा है, ये भी एक बात बहुत अहम। दरअसल G20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन समेत अन्य देश शामिल होते हैं। भारत इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है, जिसका कि शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर के बीच दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। G20 बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, तुर्की के राष्ट्रपति रेपेच तैयप अर्दोगान, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भी कई सारे नेता शामिल होंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठक से दूर रहेंगे, उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे और उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग भारत आएंगे। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल, जय हिंद, जय भारत।